चाहे सरकार पर देश को खुला शौच मुक्त बनाने के लिए लाख दावे करती हो, मगर आज हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सरकार के इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं सोलन जिला की निर्मल ग्राम पंचायत समरोड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला डाको की, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दी जाती है मगर अच्छी सुविधाएं बच्चों के नसीब में नहीं है। चाहे सरकार प्रदेश को खुला शौच मुक्त बनाने के लाख दावे करती हो, मगर आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें सरकार के इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं सोलन जिला की निर्मल ग्राम पंचायत समरोड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढांको की, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दी जा रही है मगर अच्छी सुविधाएं बच्चों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि साल 2000 में बने 3 कमरों वाले स्कूल में शौचालय तो बनाए गए थे, मगर अब इनके लिए बनाए गए सेफ्टी टैंकों का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते ये पिछले 2 सालों से ये शौचालय पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इसी के चलते स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा स्कूल की महिला स्टाफ को भी खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की माने तो गत वर्ष डाइट सोलन की ओर से 90,000 रुपए की स्वीकृति स्कूल को भी भेजी गई थी, मगर बजट की कमी के कारण डाइट सोलन ने उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को इस आग्रह के साथ पत्र भेजा था कि ढाको प्राइमरी को विभाग की ओर से राशि प्रदान की जाए, मगर हैरानी की बात है कि विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं वरुण हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हम यहाँ पे पर जंगल साइड को टॉयलेट करने जाते हैं, यहाँ पे वो भी लगी हुई है शौचालय करने के लिए। हमारा टॉयलेट 2 साल से खराब है, हम सरकार से यह चाहते हैं कि हमारा टॉयलेट जल्दी जाए और हम खुले में शौच ना करें। खुले में शौच करना बहुत बुरी बात है, इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें खुले में शौच करना पड़ रहा है। वही बच्चों के अभिभावकों की माने तो स्कूल न केवल शौचालय की समस्या से जूझ रहा है, बल्कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी काफी जोखिम उठाना पड़ रहा है। स्कूल में करीब 19 सालों से खेल मैदान नहीं बना है, और जहां बच्चे खेलते हैं उसके साथ ही गहरी खाई है, जिसके चलते हर समय हादसों का डर बना रहता है। ऐसे में अभिभावकों व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द स्कूल की इन समस्याओं का समाधान किया जाए और स्कूल में खेल मैदान व शौचालय का निर्माण करवाया जाए। वहीं लता ठाकुर का कहना है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि खुले में शौच नहीं किया जाना चाहिए, मगर हमें मजबूरन बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है, जिसका बच्चों में गलत संदेश जा रहा है, मगर हम मजबूर हैं। समस्या तो हमारे स्कूल में बहुत सारी है, पर सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। सर 2 सालों से हमारे टॉयलेट बंद पड़े हुए हैं, सेफ्टी टैंक पता नहीं लग रहा अभी कहाँ पे हमारे सेफ्टी टैंक बना हुआ है। हमने वर्कर को भी लाया पर वो फिर भी नहीं मिल रहा है। सर एक तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि गलत संदेश जा रहा है, बोलते कि बाहर नहीं भेजना, फिर हमारे को मजबूरन बाहर भेजना पड़ता है कि हमारे पास शौचालय नहीं है। हमारे गर्ल्स भी है सर, वो भी बाहर जाने में मजबूर है, और स्टाफ मैडम भी है, उनको भी बाहर जाना पड़ता है, इसलिए बाहर भेज रहे हैं क्योंकि हमारे शौच चालू नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे शौचालय बने और चालू हो, ताकि बच्चे भी टॉयलेट में जाए और स्टाफ भी जाए। वहीं राजन का कहना है कि इस स्कूल में न केवल शौचालय की समस्या है, बल्कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, और कई बार हम इस बारे में विभाग व आला अधिकारियों से मांग कर चुके हैं। हम सब जी ड्यूटी डायरेक्ट ऑफिस गए, डाइट गए, डीसी ऑफिस गए, उन्होंने किसी ने भी नहीं सुनी हमारी। हमारे को 2 साल लगातार हो गए जाते जाते, कम से कम 20-25 चक्कर तो हम ड्यूटी डायरेक्ट ऑफिस कर आए। अगर खुदा ना खास्ता है यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? तो हम चाहते हैं भी ये हमारी समस्या है जल्दी से जल्दी पूरी हो। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।